पेश है हिंदी ज़बान में अपडेट। कश्मीरियों को निरंतर 10 लाख से अधिक भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों का सामना है। कश्मीरी भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में 7 दशकों से अधिक समय से भारत के अवैध अधिकरण से उत्पन्न स्थितियों से त्रस्त हैं। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 के बहिष्कार के पश्चात से अपूर्व समस्याओं से घिरा हुआ है। मोदी के नेतृत्व की भारतीय सरकार ने भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में गत 3 वर्षों में मानव अधिकार उल्लंघनों के नए रिकॉर्ड स्थापित कर दिए हैं। मोदी ने कश्मीर को विशाल खुली जेल में परिवर्तित कर दिया है, जहां इसके निवासियों को मूल मानव अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में सामान्य कश्मीरियों को प्रतिदिन घेराव व खोज पड़ताल, दमन तथा टॉर्चर का सामना है। भारतीय अधिकारी कश्मीरियों के विरुद्ध काले कानूनों को लागू कर सामान्य नागरिकों को अंधाधुंध गिरफ्तार करते हैं, उनकी जायदादों को जब्त करते हैं। मोदी तथा उसके को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि कश्मीरियों के विरुद्ध उनके अत्याचार निश्चित ही पलटकर उन पर आएंगे। कश्मीरी कुछ भी हो, भारतीय अधिकरण के विरुद्ध संघर्ष के लिए कृत संकल्प हैं। विश्व को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में दमित कश्मीरियों की सहायता के लिए आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्रसंघ को देर से निलंबित कश्मीर विवाद के संदर्भ में अपने दायित्व को पूरा करना चाहिए। कश्मीर का अनिर्णीत मुद्दा दक्षिण एशियाई क्षेत्र में निरंतर तनाव व अस्थायित्व का कारण है।